वेलकम टू माई चैनल पूजाज गुड लाइफ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी। तो चलो आइए बनाना शुरू करते हैं। आम की लौंजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम कच्चे आम लिए हैं। हम इसे पहले रफली कट करेंगे कि इन कैरी को मैंने रफली कट कर दिया है और जो ज़्यादा पके हुए थे उसको मैंने ऊपर से पील ऑफ कर दिया है, यानी कि छील लिया है। तो चलो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस पर रखेंगे और उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और पहले हम इसे गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। 1 स्पून हमने जीरा लिया है और मेथी के दाने और साथ में हम लेंगे सौंफ। और ये भून गया है, अब हम इसमें कच्चे आम की कैरी को डाल देंगे और इस मसाले में अच्छी तरह से मिला देंगे। इन मसालों की खुशबू इनमें आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा इसका। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, 1/2 स्पून ली है मैंने, और साथ में नमक टेस्ट के अनुसार मैंने 1 स्पून लिया है। इसे हम मिला देंगे अच्छी तरह से। इसमें 1 स्पून हल्दी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। और अब मैं गैस की फ्लेम को करूंगी बंद और इसे हम 10 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि हमारी अम्बियाँ जो हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएं। मिनट हमें हो चुके हैं, हम इसे खोल कर देखते हैं। हमारी अम्बियाँ भी जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब बारी है इसमें गुड़ डालने की। हम इसमें गुड़ डालेंगे, आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। ये खट्टी मीठी आंबियों की लौंजी बहुत ही टेस्टी बनती है और समय भी बहुत कम लेती है। गुड़ इसमें अच्छी तरह से मिल जाएगा और साथ में ये गाढ़ी भी हो जाएगी। इसे हमें थोड़ा सा थिक रखना है, तब तक हम करछी को ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। ये जो कैरी की लौंजी है, ये इसे हम आम की सब्जी भी बोलते हैं। हमारी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, कच्चे आम की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।